अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल तवामे लजीज़। आज तवामे लजीज़ के किचन में बन रहे हैं शकरकंदी के लड्डू। इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर में एक गिलास पानी डाल के एक बाउल रखेंगे और उसके ऊपर शकरकंदी रखेंगे जो स्टीम में पकेगी। यह हमने आधा किलो शकरकंदी ली जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे और तकरीबन 3 सीटियाँ देंगे। अब हम अलग पैन में 1 कप कोकोनट क्रश को रोस्ट कर लेंगे और इसी तरह हम 1/2 कप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लेंगे। यह हमने 1/2 कप लिए हैं। इसमें हमने काजू और बादाम लिया है। आप अपनी पसंद से पिस्ता भी मिला सकते हैं या जो ड्राई फ्रूट आप चाहें ले सकते हैं। हमारी शकरकंदी भी हो गई थी, अब हम उसे खोल के देख लेते हैं। ये देखें, हमारी शकरकंदी अच्छी तरह से पक चुकी है। हम इसका छिलका उतार लेंगे। पूरी शकरकंदी छीनने के बाद हम इसे मैश कर लेंगे अच्छी तरह से, इसमें कोई भी साबुत पीस ना हो ताकि लड्डू अच्छे से बने। ये देखें, इस तरह एकदम बारीक एकदम मैश कर लेना है, ज़रा सा भी मोटा ना रहे। अब हम ये हो चुकी है, अब हम एक पैन लेंगे जिसमें तकरीबन 2 चम्मच देसी घी मिलाएंगे और हमने जो मैश करी है शकरकंदी उसको इसमें फ्राई करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। ये हमने इसमें शकरकंदी डाल दी, ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब बस इसे ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं और हमारी शकरकंदी भी अच्छी तरह से ये भुनी जा चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हम कोकोनट क्रश डालेंगे 1 कप, जो हमने लिया था रोस्ट किया था वही रोस्ट हुआ हुआ, और जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे 1/2 कप कटे हुए वो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह और अब इसमें तकरीबन 1 कप भर के हम ब्राउन शुगर पाउडर डालेंगे। ये हमने अभी थोड़ा लिया है, मिलाते मिलाते हम इसमें पूरा 1 कप डाल देंगे। और आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने 1/4 चम्मच इसमें सेंधा नमक पिसा हुआ मिलाया है, 1/4 चम्मच पिसी हुई इलायची के दाने डाले हैं और बहुत थोड़ा सा पिंच भर, 1 चुटकी भर हम इसमें जायफल का पाउडर डालेंगे। इस तरह से आप घिस लेंगे जायफल, ये आराम से घिस जाती है।
और ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिलाएं हाथ से। हमारा ये शकरकंदी का अच्छी तरह से मिल चुकी है। शकरकंदी सारे इसमें सामान मिला चुके हैं। हम इसकी छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, या जितने बड़े लड्डू आपको रखने हैं उतने लड्डू बनाइए। ये हमारे सारे शकरकंदी के लड्डू बना लिए हैं हमने। अब हम इसे जो कोकोनट का बाकी का बिना रोस्टेड का थोड़ा सा हमने बचा लिया था बिना रोस्ट किए, उसमें इसे अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये ऊपर इसके सारा अच्छी तरह से लगा देंगे और बस हमारे लड्डू तैयार खाने के लिए। हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। खाएं खिलाएं, दुआओं में याद रखें। अच्छी ना लगे, कुछ कमी लगे तब भी कमेंट करें ताकि कुछ और बेहतर करने का हौसला मिले। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी और आसान रेसिपी के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।